हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एनुअल एग्ज़ाम में ये हमारे नंबर बढ़ाने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से करना है। जो हमारा आज की वीडियो होगी, इसमें हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4, इसका नेम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है ना, तो यहां पर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जिक्र करेंगे। लिख लीजिए यहां पर इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल ध्यान से समझना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप यहां पर लिखेंगे व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यानी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ठीक है ना, इट इज एन इक्वेशन, आप क्या लिखेंगे यहां पर, इट इज एन इक्वेशन दैट कंटेन एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास टर्म क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है। टर्म का मतलब हो गया जिसके अंदर कोई वेरिएबल और कोई कोफिशियंट, उन दोनों को हमारे पास है, उनकी मल्टीपल हो, ठीक है, वो टर्म कहलाएगी। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, x एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, इस x की अगर हम मल्टीपल करते हैं 5 के साथ, तो पर्टिकुलर हम इसको क्या लिखेंगे, 5x। तो जो यो x हो गया, ये तो हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास है कोफिशियंट। जब इस तरह के, ठीक है, कई टर्म को हम ऐड कर देते हैं, उनसे हमारे पास क्या बनती है, इक्वेशन। यानी कोई टर्म या कोई वेरिएबल, यानी स्क्वायर्ड के अंदर भी हो, ठीक है, उससे हमारे पास क्या बनते हैं, इक्वेशन। यानी फॉर एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 9 इज इक्वल टू ऑफ 0। यह एक इक्वेशन है, और कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किंतु क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमने उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू ऑफ 0। बट यहाँ पर हम लिखेंगे ए डज नॉट इज इक्वल टू ऑफ 0, यानी ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू को 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है, तो ए की अगर यहाँ पर 0 रखते हैं, मल्टीपल करेंगे तो ये पर्टिकुलर फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती है, तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन बनती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कितना है, 2 है। तो यानी हम इसको 0 के इज इक्वल टू पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए क्या बन गया यहाँ पर, पर्टिकुलर देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को लेते हैं, कोफिशियंट कितना हो गया, 1, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 5। तो यहाँ पर बी कितना हो गया हमारे पास, 5। सी कॉन्स्टेंट कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर, 9।
इसके बाद हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ठीक है उसकी वैल्यू निकालनी है, उसको हमने कैसे सोल्व करना है, हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्या लिखेंगे, हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो उसको सोल्व करने के कई मेथड है हमारे पास, हम यहाँ पर लिखेंगे हाउ टू सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो फर्स्ट है फैक्टराइज, फर्स्ट क्या हमारे पास फैक्टराइज, सेकंड क्या हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज हम जिक्र करेंगे सिर्फ ओनली फैक्टराइज के बारे में, ठीक है जो हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सिर्फ आज हम बेसिकली फैक्टराइजेशन के बारे में ही जिक्र करेंगे। उसके बाद यानी एक आएगा चेक वेदर द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर हम एक चेक करेंगे किस तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइजेशन, मतलब इसके अंदर कोई एक इक्वेशन होगी वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस या फिर एज यू विश प्लस लिख लीजिए, हमने यहाँ पर 5x प्लस में ठीक है इधर हमने क्या लिख लिया 6, हमने इसके फैक्टर करने हैं इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसमें क्या होता है देखिए, सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है सबसे पहला हमारा टारगेट यही है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो उसके लिए आप देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0, तो यानी ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैच करती है, तो हम इसकी क्या कर सकते हैं फैक्टर। उसके लिए क्या होता है हमारे पास ए और सी की प्रोडक्ट, ठीक है यानी प्रोडक्ट किसकी होनी चाहिए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए और कॉन्स्टेंट सी, या फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों की हमारे पास प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट करते हैं रफली कर लेते हैं तो क्या आएगा 6x स्क्वायर, और मिडल जो टर्म है उसको प्लस या सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 आना चाहिए। उसका एक सिंपल सा हमारे पास मेथड है, देखो जो ये फंक्शन है इसको ऐसे कर लीजिए, इसके दो बॉक्स बना लीजिए, ठीक है एक तो ये बना लिया एक हमने ये बॉक्स बना लिया, पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर है यानी एक्स इंटू में एक्स क्या बनता है एक्स स्क्वायर, तो एक बार तो एक्स इसमें रख लीजिए एक बार एक्स इसमें रख लीजिए, तो एक्स और एक्स की मल्टीपल क्या होगी एक्स स्क्वायर, बच गया 6। आप 6 के फैक्टर कर लीजिए इस तरह से, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट ठीक है ना, सबसे पहले 1 तो सभी का डिविजिबल है, तो आप लेंगे 2 3 जा, तो यानी 2 और 3 दोनों को ऐड करते हैं तो मिडल टर्म हमारे पास क्या 5 है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 2 और 3 अगर दोनों की मल्टीपल करते हैं पर्टिकुलर 6 आता है, तो यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म तो सेम रहेगी, मिडल जो हमारे पास क्या टर्म रहेगी हम उसका क्या करेंगे फैक्टर। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3x प्लस में 6 इज इक्वल टू ऑफ 0। अब हमने यहाँ पर क्या किया इसके पेयर बना लिए, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया x, अंदर क्या बचा x प्लस में 2, सेम कंडीशन 3 कॉमन लिया x प्लस में क्या बच गया 2 इज इक्वल टू ऑफ 0, ठीक है ये 0 तब लगाते हैं जब हमने जीरोज निकालने हैं, ठीक है अगर हमने फैक्टर फैक्टर करने हैं तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर जो इसकी ये जर्नल फॉर्म है ना, तो फिर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही बनती है। अगर फैक्टर करने हैं तो हमने क्या 0 के इज इक्वल टू नहीं रखना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर x प्लस 2 हमने कॉमन लिया और यहाँ पर क्या बच गया x प्लस में
थ्री। तो ये क्या बन गया हमारे पास फैक्टर। तो फैक्टर से अगर इसके बोले जीरोज निकालिए, ठीक है ना, फाइंड इट्स जीरोज, तो आप क्या निकालेंगे जो हमने सेकंड चैप्टर में किया था। फिर आप इसको पर्टिकुलर एक्स प्लस में टू इज इक्वल टू ऑफ जीरो, ठीक है ना, वैन लिख कर, और एक्स प्लस में थ्री इज इक्वल टू ऑफ जीरो। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना हो गया माइनस के टू, और x की वैल्यू कितना हो गया माइनस के थ्री, ठीक है। अगर कंडीशन आती है चेक वेदर द फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या जो दी गई हमारे पास कंडीशन है, जो स्थिति है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास आएगा। देखिए हम यहाँ पर अब चेक करेंगे, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ बनती हैं आपकी, वो प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान से देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले हमारे पास सेवन्थ में भी, एट्थ में भी और नाइन्थ क्लास में भी आ चुकी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ बनती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, या प्लस का लिख लीजिए पहले, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जो ये प्रॉपर्टीज़ हमारे हैं इसमें कब यूज होंगी, जब क्वेश्चन बोलता है चेक वेदर दी फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलेगा, चेक वेदर दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये कंडीशन बोलेगा कि दी गई जो हमारे पास स्थिति है, जो कंडीशन है, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर उसमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हो तो हम करेंगे, अदरवाइज हम सिंपल कैलकुलेशन करके हम क्या बताएंगे ये इक्वेशन बनती है या नहीं बनती है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, x इंटू में x प्लस में वन इज इक्वल टू टू इंटू में x प्लस में फाइव, ठीक है, हम इसकी मल्टीपल करेंगे क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इज इक्वल टू ऑफ 2x प्लस में क्या हो गया 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस में x इसको इस तरफ लेके आएंगे 2x माइनस में 10, ठीक है, इज इक्वल टू ऑफ 0। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू ऑफ 0। इक्वेशन तो बन गई, फिर हमने पर्टिकुलर ये देखना है कि जो हमारी, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, उससे वो मैच करती है या नहीं करती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू ऑफ जीरो। इसका मतलब हमारे पास क्या, ये हमारी मैच कर गई, क्योंकि एक्स स्क्वायर हाइएस्ट जो पावर है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो टू होनी जरूरी है, ठीक है। तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर, यानी इसमें जो हमने आज वीडियो में पढ़ाया है, वो हमने क्या कराया, सिर्फ ओनली कुछ एक तो हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, या फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने चेक करना है कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, जब भी हमने कोई भी चैप्टर करते हैं तो टेंथ क्लास में सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, अगर हमारे पास नंबर, अगर पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा हमने नंबर लेने, तो हमने इस चैप्टर को अच्छी तरह से करना हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ मार्क्स, यानी अगर हमने
मैथमेटिक्स में नंबर लेने हैं या बढ़ाने हैं तो इस चैप्टर को बिल्कुल ही ईजिली जितना हो सके उतना अच्छी तरह से आपने सेल्फ स्टडी करनी है और उतने ही आप क्या है अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। ठीक है, ओके।